मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को विधानसभा में बजट पर हुई बहस का जवाब दिया। सीएम राजे ने अपने 45 मिनट के संबोधन में सरकार के बजट को लोक कल्याणकारी बजट करार दिया और विपक्ष पर भी जमकर प्रहार किया। सीएम राजे ने अपने संबोधन में कहा कि बजट की सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष भी इसमें कोई कमी खामी नहीं निकाल पाया। कांग्रेस को चिंता सता रही है कि ये बजट अगर जमीन पर आ गया तो उनका सपना पूरा नहीं होगा। बजट सदन के पटल पर रखने के बाद प्रेस वार्ता में मुझसे पूछा गया कि क्या 6 महीने में बजट घोषणाएं पूरी हो जाएंगी या सरकार चुनावी मोड में चली गई है, तो मेरा जवाब था कि ये हमारा सामान्य आचरण है, इसलिए हमारी तुलना कांग्रेस के साथ नहीं की जाए। हमारी पिछले साल की 90% बजट घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। स्वराज संकल्प पत्र के 84% वादे भी पूरे किए जा चुके हैं। हमें विश्वास है कि हम बजट के सभी पहलुओं को पूरा कर देंगे। हमने पिछले 4 सालों में टीम राजस्थान के बलबूते पूरी ताकत के साथ प्रदेश का विकास किया, आम जन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया। कांग्रेस को ये पच नहीं रहा है, इसलिए हल्ला कर रहे हैं। कर्ज लेकर भी गरीबों तक लोक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाई। बजरी को लेकर सदन में हंगामा हुआ, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि खनन संबंधित बदलाव का कानून लाया कौन था? इन लोगों ने बिना ईसी पट्टे बांट दिए। हम नई बजरी पॉलिसी बनाएंगे और छोटे छोटे पट्टे देंगे। बजट भाषण की सबसे अहम घोषणा लघु और सीमांत किसानों की कर्ज माफी था, जिसे सुनते ही कांग्रेस को झटका लगा। कांग्रेस ने 50 सालों में किसान के कर्जे माफ क्यों नहीं किए? प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसानों के कर्जे माफ किए गए हैं, क्योंकि हमें है किसानों की चिंता। हमने प्रदेश के 70% और 2,00,000 से ज्यादा किसानों को सौगात दी है। सीएम राजे ने इस दौरान किसानों के ऋण संबंधी आयोग का उदाहरण दिया। सीएम राजे ने कहा कि हम विकास की नींव किसानों के आधार पर ही रखना चाहते हैं। अगर हम आधुनिक राजस्थान बनाएंगे तो किसान हमारे लिए सबसे पहले हैं। सीएम राजे ने कहा कि मिड डे मील में बच्चों को दूध पिलाने के लिए 250 करोड़ का बजट पारित किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो। पिछली कांग्रेस सरकार ने जहां 5 सालों में 25,000 करोड़ का फसली ऋण बांटा था, वहीं हमने महज 4 सालों में ही 62,000 करोड़ का फसली ऋण बांट दिया। साथ ही किसानों का बीमा भी 12 गुना बढ़ाया। किसान हमारे अन्नदाता हैं, इसलिए ही हमने बजट में उन्हें प्राथमिकता दी है। वहीं उदय योजना से विद्युत कंपनियों की माली हालत में सुधार आया है, घाटे में कमी आई और बिजली की क्वालिटी और क्वांटिटी में भी इजाफा हुआ है। दलित वर्ग के समग्र विकास के लिए सभी नगर पालिकाओं में अंबेडकर भवन बनाने का फैसला किया गया है। एसटी एससी और ओबीसी को 2,00,000 तक के ऋण दिए जाएंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम राजे ने कहा कि कांग्रेस ने केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया और वोट बैंक की राजनीति की। वहीं हमारा मानना है कि गरीबों को अवसर मिलने चाहिए, ताकि हाथ फैलाने की नौबत ही ना आए, इसलिए सुंदर सिंह भंडारी ईबीसी ऋण योजना शुरू की गई है। इस दौरान सीएम राजे ने दंड विधियां संशोधन विधेयक को प्रवर समिति से वापस लेने की घोषणा की और कहा कि ये विधेयक कानून बना ही नहीं था। जब कानून बना नहीं तो क्या वापस लेते? लेकिन फिर भी मैं प्रवर समिति से वापस लेने की घोषणा करती हूँ। लेकिन क्या कांग्रेस ने आपातकाल के लिए देश से माफी मांगी? सीएम राजे ने बड़े ऐलान करते हुए कहा कि कुष्ठ रोगियों को मुफ्त इलाज के साथ साथ हर महीने 1,500 रुपए पेंशन मिलेगी। सशक्त समाज के लिए महिला कर्मियों को 2 साल की चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी ऐतिहासिक इजाफा किया गया। नाबालिग बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वालों को मृत्यु दंड का प्रावधान किया जाएगा। राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग का गठन भी उपलब्धियों में शुमार। भैरव सिंह शेखावत स्मृति में स्वरोजगार योजना शुरू की। होमगार्ड जवानों के मानदेय में इजाफे के साथ साथ 2500 होमगार्डों की भर्ती, 686 जेल प्रहरियों की भर्ती, हेड कांस्टेबलों के नए पदों का हो सृजन, एक्स सर्विसमैन की संविदा दरों में 10% की वृद्धि, जयपुर में 500 करोड़ की लागत से भामाशाह टेक्नो हब बनेगा, कोटा उदयपुर और जोधपुर में इंक्यूबेशन सेंटर बनेगा, गन्ना उत्पादकों से पंजाब के समान दरों पर खरीद होगी। सीएम राजे ने कहा कि हम इसी निष्ठा लगन और ईमानदारी से प्रदेश के विकास में जुटे रहेंगे और नए राजस्थान के निर्माण के सपने को साकार करके ही रहेंगे। अपने संबोधन का अंत सीएम राजे ने शायराना अंदाज में करते हुए कहा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। राजनीति तो सब कर लेते हैं, फिर राज्य धर्म ऐसे निभाओ कि मिसाल बन जाए। संवाददाता ऋतुराज शर्मा, नरेश शर्मा, योगेश शर्मा, शशिमोहन शर्मा के साथ ऐश्वर्य प्रधान, जी मीडिया, जयपुर। वहीं से पहले विधानसभा में आज एक बार फिर से वीडियो बम की गूंज सुनाई दी। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। डूडी ने राठौड़ को एनकाउंटर के मामले में आरोपी बताया। इसके बाद बजट पर बहस हंगामे की भेंट चढ़ गई। सदन में बजट पर बहस हंगामे की भेंट चढ़ गई। विधानसभा में कार्यवाही शुरू होते ही वीडियो बम की गूंज सुनाई देने लगी। इस बीच सत्ता और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई, एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए।
आरोपों के बीच रामेश्वर डूडी ने तेश में आकर संसदीय कार्य मंत्री को यहां तक कह दिया कि वो एक एनकाउंटर कांड में आरोपी रहे हैं, जेल जाकर आए हैं। डूडी के इस बयान पर भी सदन में हंगामा हुआ। सदन के भीतर की जुबानी जंग बाहर मीडिया के कैमरों के सामने भी दिखी। माननीय अध्यक्ष मोदी ने नेता प्रतिपक्ष को अपनी ऊपर लगे हुए आरोपों के स्पष्टीकरण देने का जब समय दिया, वो बोल रहे थे, उससे बीच बीच में संसदीय कार्य मंत्री और सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक उनको बाधित कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया, उनको बोलना चाहिए था। यहाँ तक अध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि कोई भी व्यक्ति इनसे प्रश्न भी नहीं पूछेगा और इसके बाद में भी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। इतना इससे बढ़िया मौका कोई हो नहीं सकता था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की। हंगामे के कुछ देर बाद बजट पर बहस शुरू हो गई, लेकिन रामेश्वर डूडी ने सदन में राठौड़ पर निशाना साधे रखा। डूडी ने कहा कि उन पर सत्ता पक्ष ने जो भी आरोप लगाए वो झूठे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो को एडिट करके आरोप लगाए गए हैं। सदन के बाहर भी राजेंद्र राठौड़ पर आरोप लगाते हुए डूडी ने कहा कि अगर सही जांच हो तो दारिया एनकाउंटर में कौन हत्यारा था, इसका भी खुलासा हो जाएगा। डूडी ने आनंद पाल एनकाउंटर में भी खुलासा करने की बात कही। सरकार जवाब से भाग रही है, मेरे पे राजेंद्र राठौड़ ने और इनके उप मुख्य सचेतक ने एक वीडियो जो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का था नोखा में 30 जनवरी को, उस पौन घंटे के वीडियो को सिर्फ 40 सेकंड का एडिटिंग करके मेरे पे उन्होंने बगैर नियम कानूनों के तहत उन्होंने मेरे पे आरोप लगाए। मैं इस आरोप का मेरा जवाब देना चाहता था, सत्ता पक्ष के लोग सुनना नहीं चाहते। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने तल्ख प्रतिक्रिया दी। राठौड़ ने कहा कि रामेश्वर डूडी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। सदन के वेल में डूडी के पक्ष में महज 8 विधायकों का आना दर्शाता है कि विपक्ष टुकड़ों में बटा है, फिर भी सीएम की दौड़ लगा रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि दारिया मामले में जयपुर सत्र न्यायालय से आरोप मुक्त हो चुके हैं, बिना सबूत के लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। राठौड़ ने कहा कि सदन की नेता के जवाब में परेशानी डालने के लिहाज से विपक्ष हंगामा कर रहा है। बिना प्रमाण के जो आरोप लगाए हैं मैं उनको सिरे से खारिज करता हूं, और आज सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेता अपने दल के कितने सदस्यों का विश्वास अर्जित किए हुए हैं, ये स्वतः ही इस उपस्थिति से स्पष्ट हो गया जब उनके साथ वेल में जाने वाले कांग्रेस के सदस्यों की संख्या मात्र 8। सदन में लगातार हो रहे हंगामे के बीच डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। अब दोनों पक्षों को बातचीत से ही कोई रास्ता निकालना होगा, लेकिन सदन के भीतर और बाहर दोनों ही जगह आरोपों का स्तर व्यक्तिगत होने से चिंता इस बात की भी है कि आखिर ये डेडलॉक टूटेगा कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर।